हेलो वीवर, हाउ आर यू? दिस इज अज़रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अज़राज ब्यूटी पार्लर। वीवर, आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट सा पार्टी मेकअप शेयर करने जा रही हूँ। मेकअप बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट और लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप मेहरून शेड है, जो भी डार्क शेड होते हैं उसमें लाइट मेकअप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो लाइट बेस पसंद करती हैं, लाइट मेकअप पसंद करती हैं, जो चाहती हैं कि मेकअप भी अच्छा हो और हैवी भी ना हो, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। मैंने मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, उसके बाद मैं क्रिस्टीन लगा रही हूँ। क्रिस्टीन 26 नंबर है इसका, ये फेयर टोन पे होता है। मेरा जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे स्पॉट्स वगैरह नहीं है। तो आपके अगर स्पॉट्स वगैरह है तो उसमें कंसीलर अप्लाई कर लें या कीमोफ्लाज करके फिर अप्लाई कीजिएगा, और अगर फेस नीट है तो इस तरह से आप F6 को यूज़ कर लें। ये क्रिस्टीन की स्टिक ऑयली फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल स्किन है तो आप ये क्रिस्टीन की स्टिक अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर ये अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पे स्क्रैचेज आ जाते हैं या ड्राइनेस हो जाता है, आपका फेस बहुत ड्राई हो जाता है। तो ये ना यूज़ करें तो बेटर रहेगा। अगर आपको नॉर्मल स्किन है तो आप कोई और फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्रायलॉन की भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे मिस रोज़ का लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्रिस्टीन स्टिक यूज़ करने के बाद अब मैं क्रिस्टीन का ही लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है मैंने। मैं ब्राउन पेंसिल से अपनी आईब्रोज को नीट कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं फेस इट का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। फेस इट का जो कंसीलर है, मैंने आईब्रोज के ऊपर, आईब्रोज के नीचे, आईज लिट पर और नोज़ पर, जो जो एरिया हम हाईलाइट करते हैं उस पर अप्लाई करेंगे। जब भी कोई फेयर कंसीलर अप्लाई करते हैं तो हाईलाइट करने के लिए करते हैं, और जो डार्क करते हैं वो अपने जो टू टोन है उसको छुपाने के लिए किया जाता है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं फिंगर से टैप कर लूँगी अच्छी तरह से, अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। रोज़ के शेड यूज़ कर रही हूँ, जो मिस रोज़ की किट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। आप कोई सी भी प्रोडक्ट लेते हैं मिस रोज़ की तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है।